हरियाणा की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में हुए गोलमाल को लेकर प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमला तेज कर रहा है। वहीं सरकार ने इस मामले में अपना बचाव करते हुए उल्टे विपक्ष को ही निशाने पर ले लिया है। सूबे के खेल और सेहत मंत्री अनिल विज ने खट्टर सरकार को चौका सरकार करार दिया है। विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला पर सियासी हमला बोलकर उन्हें अपने कार्यकाल पर हुए घोटाले याद करने की सलाह दी है। दरअसल बात यह है, रणदीप सुरजेवाला को शर्म भी नहीं है। कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए उसकी जांचें हो चुकी, सीबीआई की जांच हो चुकी, कोर्ट में मामले पड़े हैं, उनके लिए तो रणदीप सुरजेवाला कभी बोला नहीं। हमारी सरकार एक चौकस सरकार है, एक सजग चौकीदार की तरह काम कर रही है, और अगर उसको लगता है कि उसके कहीं पर कोई सेंध लगा रहा है तो उसको खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर पकड़ा है, उसकी सराहना करनी चाहिए। खबर प्रादेशिक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।